इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? चलिए आपका नाम बताइए, कहाँ से आए हैं बताइए। मेरा नाम पवन कुमार। तेज बोलिए थोड़ा। मेरा नाम सर पवन कुमार है, फ्रॉम गाजियाबाद। गाजियाबाद से आए पवन कुमार। पवन आप बताइए कॉलकम में, सबसे पहले बताओ कि कॉलकम का सीपीयू कैसा पता करें? सर कॉलकम का सीपीयू के लिए आप गूगल पे जाइए और सीपीयू टाइप मॉडल नंबर और आगे सीपीयू टाइप करके आप उसको सर्च कर सकते हैं। वेरी गुड। और मान लीजिए हमारे पास गूगल नहीं है तो फिर? गूगल नहीं है तो आप कोड में दीजिए जो कि डिवाइस मैनेजर में शो हो जाता है और आप मोबाइल कनेक्ट करके आप उसमें भी देख सकते हैं। ठीक। अच्छा ये बताइए कि हमने सीपीयू टाइप पता कर लिया है कि कॉलकम का है, अब हमें उसकी स्टेप क्या होता है? मान लो एक मोबाइल आया तुम्हारे पास, लोगो पर हैंगे कॉलकम का है, तो क्या स्टेप, पहला स्टेप क्या फॉलो करोगे? स्टेप बाय स्टेप बताइए। मान लो तुम्हारे पास एक फोन आया, कस्टमर ने फोन दिया कि लोगो पर अटक गया है और वो कॉलकम का सेट है, तुमने गूगल से पता कर लिया, तो अब तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उसको बनाने के लिए? उसके लिए हम फ्लैशिंग भी यूज करते हैं। मतलब फ्लैश यूज करोगे ना, फ्लैशिंग करोगे, फ्लैशिंग का पहला स्टेप बताओ। फ्लैशिंग के लिए सीधे आप मिरेकल में जा सकते हैं या यूएमडी है, यूएमडी में जा सकते हैं। मान लो अभी अभी हमने विदाउट बॉक्स बताइए, विदाउट बॉक्स, विदाउट बॉक्स इसके लिए फ्लैशिंग के लिए कॉलकॉम के लिए टूल आता है जिसका है क्यूसी रोटर के नाम से आता है, क्यूफिल के नाम से। आप क्यूफिल को ओपन करें और उसमें जो फाइल है आप। अच्छा कौन सी फाइल आएगी अगर कॉलकॉम में? फ्लैश फाइल कौन सी आती है इसमें सर? एमबीएन। कौन सी फाइल आती है? MBN। MBN के साथ सिर्फ MBN जरूरी है कि और भी कुछ जरूरी है? जैसे यहाँ पे एक टूल ओपन करके दिखाओ, डेस्कटॉप पे एक टूल होगा क्यूफिल का, मुझे बताओ उसमें कौन कौन सी फाइल लेनी जरूरी है। कल हमने इसी पर एक वीडियो बनाया था अपने पंजाबी पंजाब के एक स्टूडेंट हीरा के साथ। नहीं इसको बंद मत करो, मिनिमाइज करो, डेस्कटॉप पे जाओ। यहाँ पर देखो क्यूफिल कहीं पड़ा हुआ है, अब बताइए यहाँ पर इसका। मान लीजिए आपने फ्लैश फाइल डाउनलोड कर ली है, ये टूल कैसे चलाना है बताओ? टूल के लिए सबसे पहले आपको पोर्ट, कौन सा मोड बोलते हैं इसको? ये इसको क्यूसी वाला, ईडीएल। कौन सा मोड बोलते हैं? ईडीएल पोर्ट पे जाना है। ईडीएल पोर्ट पे जाना है, तो ईडीएल पोर्ट कैसे बनता है नॉर्मल कॉलकॉम के? आपको ईडीएल में दोनों प्लस माइनस आपको एक साथ दबा के और केबल कनेक्ट करनी है। ठीक है, डिवाइस मैनेजर में आपको पोर्ट शो करेगा, शो करेगा और उसमें हाँ बताइए यहाँ पे कहाँ शो करेगा? ये यहाँ पर पोर्ट इधर आ जाता है, नो पोर्ट। ठीक है, अब इसके बाद में बताइए। इसके बाद आप ब्लैक बेल्ट का ये ऑप्शन है, ठीक, आप इस पे क्लिक करेंगे और इसके बाद ब्राउज पे जाएंगे और जो आपकी फाइल है फर्मवेयर, जैसे एक फाइल सिलेक्ट करो यहाँ पर, ये तो अपनी कॉलकॉम की, इसमें जाओ बैक करो कॉलकॉम के फोल्डर में जाके एक फाइल सिलेक्ट करो। तो दोस्तों यहाँ पे हम पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपको एक फाइल भी सिलेक्ट करते हुए दिखा रहे हैं, जबकि हमेशा हम सिर्फ क्वेश्चन और आंसर करते हैं। क्वेश्चन आंसर से पता चलता है कि स्टूडेंट को कितना नॉलेज हो रहा है। बैक करो, बैक करो, कॉलकॉम में जाओ, सबसे लास्ट फ्लैशिंग है और इसके बाद ये हमारा फर्मवेयर है जिसको फ्लैश फाइल भी बोलते हैं और इसमें फर्मवेयर में जाना है, ये हमारी फाइल है एमबीएन। ठीक है, और इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर ये चीज आ गई और इसके बाद ये आपको लोड एक्सएमएल के नाम से दिख रहा है, ठीक, आपको क्लिक करना है और इसमें ग्रो प्रोग्राम रो प्रोग्राम एक दो आ रही है, रो प्रोग्राम के नाम से एक्सएमएल और एक क्यूसीएल, इसमें हमें क्यूसीएल फाइल, क्योंकि आपको कारण पता है उसका बार बार हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो इससे हमें पता है कि फॉल्ट जो पैदा होते हैं वो फॉल्ट पैदा नहीं होगा। उसके बाद इसके बाद आपको पैच ले जाए, पैच मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करना है। इस पे इसके बाद क्या करना है? तो डाउनलोड पे क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि कोई पोर्ट नहीं लगा हुआ ऊपर ईडीएल, समझ में आ गया? तो अब इसके बाद क्या करना है? वो करने के बाद तो तुमने लोड एक्सएमएल क्लियर कर लिया, एमबीएन क्लियर कर लिया, अब उसके बाद कहाँ क्लिक करना है फ्लैश करने के लिए? सर अच्छा, ये हमने हमने ये फाइल ले ली है, इसके बाद क्यूसीएल और टैच दोनों इसमें दिख रहे हैं जैसे रॉ प्रोग्राम में भी और टैच में भी, इसके बाद अब ये हम सारा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करते। तो यहाँ पे डाउनलोड क्यों नहीं आ रहा उसका रीजन भी बता दो। यहाँ पर नहीं आने का कारण होता है क्योंकि हमने मोबाइल कनेक्ट नहीं किया है, कोई भी पोर्ट नहीं बना हुआ है, बिना पोर्ट बने ये डाउनलोड पे नहीं आएगा।
चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा आगे आ जाओ सामने। अच्छा बताइए, कॉलकम में अगर मैं बात करूं, कौन कितने मोड होते हैं कॉलकम में? कॉलकम में से तीन तरह के मोड आते हैं। कौन मोड और फ्लैश मोड को और कौन सा मोड बोलते हैं? फ्लैश मोड को हम एडीएल मोड, एडीएल मोड बोलते हैं। दूसरा मोड कौन सा है? और एक एडीबी आता है। एडीबी मतलब डायग्नोस्टिक मोड, डायग्नोस्टिक मोड जिसको बोल सकते हैं। और एक फास्ट मोड, एडीबी मोड देखो वो सिर्फ एंड्रॉइड का मोड है, वो हर फोन में होता है, वो सिर्फ कॉलकम में नहीं होता है। पर डायग्नोस्टिक केवल किसमें होगा? कॉलकम में। वो क्यों यूज होता है? डायग्नोस्टिक जनरली नेटवर्क के लिए, नेटवर्क रिपेयर करने के लिए। तो हम उसके लिए दोस्तों किसी स्टूडेंट को और उठाएंगे साथ में। ठीक है, ये तीन मोड यूज होते हैं। फ्लैश मोड हमें कहाँ कहाँ यूज करना है बता दो। फ्लैश मोड हम इसमें जनरली आपका मेडिकल में, मतलब हम मेडिकल, मतलब हम किस किस पर्पज से यूज कर सकते हैं फ्लैश मोड? फ्लैश मोड फ्लैशिंग के लिए यूज किया जाता है। और इसमें आपका एफआरपी, एफआरपी है, फॉर्मेट है, आपको रीड पैटर्न सब करने के लिए फ्लैश मोड यूज करना है मेडिकल में। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। चलिए ताली। अब आओ भाई, तो अभी इसी कॉलकम को आगे बढ़ाइए। आप बताइए कि यहाँ इन्होंने बताया फ्लैश मोड तीन तरह, तीन फ्लैश मोड को अच्छे से और डिफाइन कर दो। क्या तुम समझते हो तीन जो मोड होते हैं कॉलकम में, तीनों को बताइए। कॉलकम में तीन मोड होते हैं, एक फ्लैश मोड होता है, हाँ, और एक फास्ट मोड, और थर्ड वाला डायग्नोस्टिक। फास्ट मोड मोड तो नॉर्मल है, सब में होता है क्या? क्यों? एंड्रॉइड का मोड होता है क्योंकि एक एंड्रॉइड है और चिप लगी है कॉलकम की, इसलिए वो सब में होता है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, तो बताइए एक फास्ट मोड मोड क्यों यूज नहीं कर पाते हम? और लॉक होने के बाद इसलिए क्योंकि उसको नॉर्मल में हम यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए कौन सा मोड यूज करते हैं? फ्लैश मोड यूज करते हैं, नॉर्मल में हम फ्लैश मोड यूज करते हैं। चलिए ठीक है, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए कि जैसे मुझे एफआरपी निकालना है मेडिकल से, तो कहां से निकालूंगा बताओ, दिखाओ। बताइए शुरू से, पहला कॉलकम में जाने का, हाँ, बाद में एक्स्ट्रा, हाँ, बाद में यहाँ पे पोर्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल, बाद में कौन सा पोर्ट? ये जो अपना फ्लैश फ्लैश मोड का जो ईडीएल का पोर्ट बनता है 9008, फिर बाद में जो यहाँ पे अपना एमआई का है, तो एमआई का नहीं तो अगर मॉडल वाइज, मॉडल वाइज यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे अदरवाइज अदर में क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, बाद में स्टार्ट, अदर में क्लिक करके हम कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ से हम मतलब अगर यहाँ से पूरा काम करता है तो ये कौन से मोड पे काम करता है? ईडीएल मोड पे काम करता है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आ भाई मुन्ना, मुन्ना आप ये बताइए कि अगर मुझे पैटर्न रीड करना है इसी से, तो मैं कहाँ से रीड करूंगा? নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই বকুল লস্কর অসমৰ পৰা আহিছো, মধ্যপ্ৰদেশ জবলপুৰ। ইয়াত আমাৰ ষ্টুডেণ্ট আছে এছিয়া টেলিকম ষ্টুডেণ্ট। বন্ধুসকল, আজি মই এখন কিতাপ লৈ আহিছো আপোনালোকৰ আগত, যিখন কিতাপ নেকি মোবাইল ৰিপেয়াৰিঙৰ কিতাপ হয়। এইখন কিতাপ যদি আপোনালোকে কিনিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যন লিংক এটা আছে, লিংকত আপোনালোকে কিনিব পাৰিব। আৰু বন্ধুসকল, বিশেষকৈ কথা হ'ল কি, আমাৰ ছাৰে যিখন এখন বুক বনাই এখন কিতাপ বনাইছে, কিতাপখন মানে যাৰ কাৰণে ধৰি লোৱা কোনোবা মানুহ ইমান দূৰলৈ আহিব নোৱাৰে, পইচা পাতি প্ৰব্লেম আছে, কাৰোবাৰ মোবাইল ৰিপেয়াৰিং শিকিবলৈ বহুত মানে হেৰি আছে, কাৰোবাৰ যদি বহুত মন আছে মোবাইল ৰিপেয়াৰিং শিকিবৰ কাৰণে, যিসকল আমাৰ ষ্টুডেণ্টলৈ আহিব নোৱাৰে সিহঁতৰ কাৰণে বহুত ভাল এখন ৰিপেয়াৰিং কিতাপ আহিছে। এইখন অলৰেডি ভালকৈ লিখা আছে, আৰু এইখনৰ ছফ্টৱেৰৰ বিষয়ে একো তেওঁলোকে বনোৱা নাই ছাৰে, আৰু ছফ্টৱেৰৰ কাৰণে যদি শিকিব বিচাৰে ছাৰে আৰু এখন বহি বনাই আছে, কিতাপ বনাই আছে ছফ্টৱেৰৰ কাৰণে। আৰু এইখনত হাৰ্ডৱেৰ এইখন দিলে আপুনি ভালকৈ একদম হাৰ্ডৱেৰ ভালকৈ শিকিব পাৰিব, ইয়াত হাৰ্ডৱেৰৰ একদম অলৰেডি চব লিখা আছে, এইখন আমাৰ ভালকৈ এবাৰ চাব পাৰিব। এইখন কিতাপত একদম ফটোৰ লগত ইমেজৰ লগত দিয়া আছে, একদম ভালকৈ চব লিখা আছে, মিটাৰ চিটাৰ একদম ভালকৈ যি লাগে কম্পনেণ্ট যি আছে চব দিয়া আছে, এইখনত ভালকৈ শিকিব পাৰিব। एक बार ठीक है, नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? एशिया टेलीकॉम, मिलन सर रंगारे, बाकी सब बंगारे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चों लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे ना कि फेक, वो एहसास हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्यून है, जो भी लोग आउटपुट है जो भी बोल रहे हो
वो दिल से, तो वो सर टच हुआ सर। तो एक ऐसा भी होता है सर, फेसबुक में कोई आता था जो सर्किट बनाना था, अच्छा मोबाइल बनाते थे जो टेक्नीशियन लोग, तो उनको हम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे। तो मैंने यहाँ से गए हुए तो दो तीन स्टूडेंट थे, उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है, नॉलेज लिया मैंने। हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओ सब कुछ बना लोगे। अच्छा रिव्यू देते थे तो लगता था एक हिसाब से, हाँ वीडियो देख के नॉलेज ले। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेट सेट कौन सा था तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस, रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले, बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगाया, दोबारा लगा, और मुझे अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का। हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था। उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्ट्रूमेंट 6 महीने 7 महीने साल में सीखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो करते हैं मतलब हम बोले सर ने हमें पैसे नहीं दिए हैं, बोले मेरा फिर उड़ रहा है मतलब हाँ, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं। सर ये भी बोले हाँ तुम्हें बोलना है कि हमें ये बोलना नहीं, जो हम बोल रहे हम खुद का बोल रहे, कोई हमें प्रेशर नहीं है कि नहीं तुम्हें बोलना नहीं है, बोलना नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो मतलब हमें ऐसा फील हमें लगा हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा उसको चुना जाए, तो मैंने फिर यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था, हाँ तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी कुछ नहीं से मतलब इसके अंदर। हाँ एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लगता है जितना काम किया है वो कुछ नहीं था, और देखो मैंने अच्छा ये सर सुना, ये सर ये सारी चीज हमने फिर सुनी कल, हाँ सर कल नए बच्चे जो आए थे। अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के सामने मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया, और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी बात आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सबने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया, और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला, वो मैकेनिक नहीं होता है, जिसका वो अंदर का ट्रैक उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा, जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Amongst 9001 and 2008 certified institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2008 certified institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. Yeah.